नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी का दंगल और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कल मतदान होगा। 7 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी और 4 दिसंबर को मतदान के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसे में आज सभी सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा और वहीं कल सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाओं की शुरुआत होगी। 4 दिसंबर को मतदान के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसे में इनकी तैयारियों के मद्देनजर आज सभी सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं आपको बता दें कि अब पार्टियों की भी तैयारी इसको लेकर जो है जोरों शोरों पर दिखाई दी थी और सभी पार्टियों ने एमसीडी में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में है और इस बार भी वापसी के लिए पूरी तरह से ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है। वहीं बात आम आदमी पार्टी की कर ले तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस बार नगर निगम में भी बीजेपी को बाहर निकालने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। उधर कांग्रेस भी दबे पांव अपने बिखरे वोट बैंक को एकजुट करने के लिए मैदान में उतरी है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का चुनावी प्रचार आखिरकार थम गया है। नगर निगम के सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर रविवार को मतदान होगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चलते मुकाबला अब त्रिकोणीय माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से दिग्गजों की पूरी फौज चुनावी मैदान में उतरी थी तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल ने खुद ही मोर्चा संभाला हुआ था। चार दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, जो साउथ और वेस्ट क्षेत्र है उसमें 7 जिले आते हैं, जिनमें पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। जो बूथ, हर बूथ का एनालिसिस किया गया है, उसमें से जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट हमारी ज़्यादा रहेगी। जितने भी पुलिस प्रीमिसेस हैं वहाँ पर हमारी पुलिस प्रेजेंस है और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनकी सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो कन्वेसिंग के दौरान हमारी डिप्लॉयमेंट है, रात को चेकिंग होती है या नाइट पेट्रोलिंग होती है, वो पूरी तरह से जारी है। एक डीसीपी सतर के अधिकारी रात को जिले में रहते हैं और वो पेट्रोलिंग और पिकेट ड्यूटी का सुपरविजन करते हैं। और अभी तक सब कुछ कैंपेन पीसफुल रहा है। और जो 4 तारीख को इलेक्शन होगा उसके लिए हमारे पास इस क्षेत्र में, पश्चिमी और साउथ के एरिया में 7 जिले हैं जिनमें हमने लगभग 30,000 लोगों की, पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट की है। सर, अगर फिगर की बात की जाए, जैसे आपने बताया 30,000 के करीब पुलिस वाले तैनात है, आउटसाइड फोर्स कितनी रहेगी और आपकी फोर्स कितनी रहेगी, थोड़ा सा अगर उसमें डिटेल अगर थोड़ा सा। इसमें जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगभग 16,000 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हैं। उसके अलावा हमें होम गार्ड्स के जवान मिले हैं 10,000 और जो आउटसाइड सीएपीएफ की फोर्स है वो हमें 40 कंपनी अभी मिली हुई है और इलेक्शन के दौरान हमें कुछ और कंपनीज मिलेंगी। टोटल दिल्ली में जो सीएपीएफ की बल हैं वो 108 कंपनीज पूरी दिल्ली को मिली हैं। सर, सेंसिटिव एरियाज की बात की जाए जहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है, तो उस पे वहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए, क्या अलग से कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो क्रिटिकल बूथ्स हैं, खासकर जो सेंसिटिव एरिया हैं या जहाँ पर कोई इलेक्शन के दौरान पहले कोई वायलेंस की हिस्ट्री है, उन पोलिंग बूथ्स पर हमने स्पेशल अरेंजमेंट लगाए हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है। और वहाँ पर जो एरिया सिक्योरिटी प्लान है वो भी हमने स्ट्रेंथन की है। इसके अलावा पुलिस इस बार जो ड्रोन्स हैं उनके माध्यम से भी निगरानी रखेगी कि कहाँ पर कोई ज़्यादा गैदरिंग हो रही है या कोई इसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है। सर, ड्रोन की जो आप डेपुटेशन जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर क्या स्पेसिफिक एरिया होगा या फिर हर जगह पर जो भी? हर जिले को 4 से 5 ड्रोन दिए जाएंगे और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो उनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। तो जिस दिन पोलिंग डे होगा क्या उस दिन भी कुछ अलग से और एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम किया जाएगा या फिर ये पूरा रहेगा इंतजाम जो अभी है? अभी हमारे को कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज आज मिल जाएंगी जो आउटसाइड फोर्स है और वो इंतजाम पोलिंग डे के दिन भी रहेगा। देखिए, एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार से व्यापारियों के मुद्दे उभर करके आए हैं, सन 2006 से दिल्ली के व्यापारी सीलिंग से परेशान हैं।
इसके अलावा और नगर निगम की अनेक समस्याएं हैं, संपत्ति कर की है, साइन बोर्ड की है, कुछ और इस तरीके के इश्यूज हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 10 सूत्री का संकल्प पत्र है उसमें ये कहा है कि एक समयबद्ध सीमा में इन सारे इश्यूज को निपटाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीलिंग से रिलेटेड जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके उसका एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा। दूसरी बात, अभी जो दो दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली में डबल फ्लोर एरिया रेशो मिलेगा, यानी FAR डबल हो जाएगा। अगर FAR डबल हो जाता है तो दिल्ली की हाउसिंग की जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, आज जो छोटे छोटे लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को बड़ा ज़्यादा बना लिया, उसको अनऑथोराइज की संख्या दी जा रही है, लेकिन अगर उनको डबल FAR मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वहीं इसके अलावा सन 2014 से लगातार दिल्ली के एक बड़े हिस्से को सीलिंग से बचाने के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेकर के आई है, जो वर्तमान में 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो दिल्ली के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि MCD में भी उसी दल की सरकार हो जिस दल की सरकार केंद्र में है, नहीं तो हमने देखा है अलग अलग राज्यों के अंदर किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को लेकर के मतभेद होते हैं। यदि दिल्ली में सुनियोजित विकास करना है तो उसके लिए MCD में BJP को लाना होगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी व्यापारी संगठनों ने तय किया है कि 4 दिसंबर को BJP को वोट भी देंगे और BJP को सपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से मुझे माहौल दिखाई दे रहा है, वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, झूठ बोला है, सिर्फ मोदी जी को गाली देने के अलावा 7 साल के अंदर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि हम स्कूल बनाएंगे, पुराने स्कूलों में पेंट कर दिया। केजरीवाल ने कहा लोगों को स्वच्छ जल पिलाएंगे, केंद्र से हजारों करोड़ रुपया आया, उससे अपने विज्ञापन छपवा दिए। केजरीवाल को 2500 करोड़ दिया यमुना साफ करने के लिए, पंजाब के चुनाव में लगा दिए। वहीं हर घर नल हर घर जल इस योजना के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है मोदी के निर्देशन में। जहां झुग्गी वहां अभी हाल ही में हजारों लोगों को फ्लैट दिए गए हैं। तो आज जनता इस बात को समझ रही है, उन्हें मालूम है। और क्योंकि पूर्व में जो पैसा केंद्र से आता था वो नगर निगम में जो है विधानसभा के माध्यम से आता था, और केजरीवाल ने नगर निगम को विकास के लिए पैसा नहीं दिया, अब उसमें अमेंडमेंट किया है, सीधा नगर निगम में पैसा आएगा, तो निश्चित ही दिल्ली का विकास होगा। इसलिए लोग आज भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने जा रहे हैं। और मुझे जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे देखने को मिलेगा कि एक अच्छा जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उत्तराखंड प्रवासियों खंड के लिए जो मोदी जी ने किया है, चाहे 750 करोड़ से केदारनाथ की कायापलट करने की बात हो, चाहे 550। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। BJP से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और वहीं आपसे प्रवक्ता इमरान शंबलशाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर RB उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख बीजेपी का कर लेते हैं। सर, आप MCD चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, सबसे पहले अपने 5 काम गिनवा दीजिए जिस पर आप ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, और इमरान जी आप ध्यान से सुनिएगा इनके 5 कामों को, क्योंकि अभी आपको इनका जवाब देना है। खेमचंद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 नहीं 500 काम किए, लेकिन आपने 5 काम बोले, मैं 5 काम गिनवाता हूँ। MCD ने लगभग 6 लाख जो रूटीन लाइट होती थी उसको कन्वर्ट करके LED में कन्वर्ट किया है। 140 करोड़ रुपए बच रहे हैं, बेटर रोशनी दिल्ली वालों को मिल रही है। 1600 स्कूल जो हम दिल्ली में चलाते हैं उसमें से 600 से ज्यादा स्कूलों को हमने स्मार्ट क्लास के माध्यम से चलाया, और टॉप 10 जो वर्ल्ड के प्राइमरी स्कूल है उसमें MCD के स्कूल का नाम आता है। हमने 500 के आसपास कूड़ा घर को साफ सुथरा करके वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वहां पे लाइब्रेरी इत्यादि हमने बनाने का काम किया। भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग में
1 करोड़ से ज्यादा विजिटर वहां पे गए, पूरे से उसका निर्माण हुआ या फिर जो स्क्रैप होता था उससे उसका निर्माण हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे जा चुके हैं। 2339 टिप्पर वाहन डेली लगभग 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली से कलेक्ट करते हैं। 14,000 से ज्यादा एमसीडी के वॉरियर इसमें काम पे लगे हुए होते हैं और दिल्ली को साफ सुथरी करने में मदद करते हैं। 15,000 से ज्यादा पार्कों को एमसीडी ने मेंटेन किया हुआ है। 2,000 से ज्यादा पार्कों में हमने वहां पे जिम की सुविधा दी है, लोग जाएं जिम करें पार्क में, उनको कॉमर्शियली जाके पैसे देने की जिम में जरूरत नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट देने का काम लोगों ने किया है। एमसीडी ने जो डिस्पेंसरी होती है जहां पर माता बहन दवाई ले सकते हैं, बच्चों को टीके लगते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम किया है। तो हम एमसीडी द्वारा संचालित डिस्पेंसरी प्लस जो जहाँ पे डिलीवरी होती है, डिलीवरी केंद्र भी है 8 प्लस 9 हॉस्पिटल, सबको हम ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे, ऐसा हम लोगों ने निश्चय किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने किया है वो आपको बता दिया। हम अगले 2 साल में, क्योंकि अब एमसीडी इकट्ठी हो गई है, इकट्ठी एमसीडी को फंड कैसे भी मिल पाएगा और अब केजरीवाल जी उसको लटका भटका नहीं पाएंगे, तो इकट्ठी एमसीडी मजबूत एमसीडी आने वाले 2 साल में कूड़े के पहाड़ों को साफ कर देगी और उस जमीन का उपयोग पार्क के लिए, दिल्ली वालों के सुख सुविधाओं के लिए होगा। 100% हम वेस्ट टू एनर्जी, जितना भी वेस्ट आएगा उसे एनर्जी बनाने का काम करेंगे। जब एमसीडी के चुनाव नजदीक आए तब आपको याद आ रहा है कि हम ऐसा करेंगे, कूड़े के ढेरों को हटाएंगे, आज तक कहां क्या बताया मैंने, आज तक हमने 20 मीटर से ज्यादा हाइट कम कर दी। आपको बताया 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन डेली कलेक्ट होता है हमारे घर से, आपके घर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से, जब इतना बड़ा कूड़ा इकट्ठा होता है और केजरीवाल जी हमारे 40,000 करोड़ रुपए नहीं देते, तो लिमिटेड फंड में जबरदस्त काम हुआ है। अगर 40,000 करोड़ रुपए दे दिए थे अभी तक वो साफ हो जाते कूड़े के पहाड़ में, हमारे स्कूल और ज्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं, एमसीडी और ज्यादा बेटर तरीके से सेवाएं दे पाते, लेकिन जो लिमिटेड फंड है उसमें भी जबरदस्त काम किया। आप देखिए हॉस्पिटल की सुविधा सही से चल रही है, डिस्पेंसरी सही से चल रही है, पार्क को अच्छे से मेंटेन किया है, स्ट्रीट लाइट को अच्छे से मेंटेन किया है, ये सारे काम एमसीडी लगातार करती जा रही है। और कोरोना काल में तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के वॉरियर दिखाई देते थे, बाकी कोई एरिया में दिखाई नहीं देता। अब हम क्या करेंगे वो हमने बताया, रोड मैप बताया और उसका हमें लॉजिकल आंसर दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि हवा में बात कर रहे हो, हमने लॉजिकल आंसर दिया है। अगर 40,000 करोड़ आ जाता तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अब जो फंड का फ्लो है डायरेक्टली एमसीडी को मिल पाएगा, डायरेक्टली कॉर्पोरेशन को मिल पाएगा और कॉर्पोरेशन बेटर तरीके से काम करेगी। चलिए ठीक है, अब मैं चैलेंज करता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने 10 ऐसे काम गिनाए जो उसने 2015 में वायदे किए थे तो वो उन्होंने कम्प्लीट कर दिए, उसका 50% भी कम्प्लीट कर दिया हो तो मान लूंगा। मैं केंद्र के 100 काम दिल्ली में गिना सकता हूँ जिसने दिल्ली को बेटर किया। अच्छा चलिए ठीक है खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, आपके पास वापस लौटूंगी। इमरान जी, बीजेपी ने अपने तमाम कार्य गिना दिए हैं, क्या आप जिस तरीके के काम इन्होंने गिनाए हैं आप इनसे सहमत हैं? एक बार अपनी राय भी दे दीजिए, क्योंकि जवाब मैंने आपसे बोला था ध्यान से सुनिएगा और अब पहले अपना जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और बीजेपी के मित्र और राजनीतिक विश्लेषक उपाध्याय जी को मेरा नमस्कार। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और सुनते हुए बड़ी शालीनता से हम उनकी हर एक मतलब जो भी कथन था उसको मैं महसूस कर रहा था। देखिए यहाँ पर अगर आप जनता के लिए काम करते हो, जनता के लिए काम करते हो तो फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो डाउट 15 साल से आपकी सरकार है और 15 सालों में आपने क्या किया है, अभी जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी या मीडिया के बंधु जब लोगों के बीच में जा रहे थे तो एक एक पब्लिक, एक एक जनता बता रही थी कि क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ है। जहाँ तक कूड़े के ढेर की बात है, उन्होंने कूड़े के ढेर पे अपना जो भी स्पष्टीकरण रखा, सीधी सी बात है कि कूड़े के ढेर को आपको पूरी तरह से 15 साल के अंदर खत्म कर देना चाहिए था। कूड़े के ढेर की हाइट कम करना, कूड़े के ढेर को बिखरा देना, ये कोई सलूशन नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि एमसीडी के स्कूल भी होते हैं, एमसीडी के डिस्पेंसरी जो होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उसका भी काम कितना आपने किया है उसको आपने नहीं बताया है। आपके एमसीडी में जो इंस्पेक्टर राज चलता है करप्शन का इतना ज्यादा बोलबाला है, ठीक है,
जो रेहड़ी पट्टी दुकानदार वाले हैं उनके लिए आपने क्या कौन सा स्कीम निकाला, कौन सा रोल निकाला, वो उनके लिए जो दिक्कतें थी आपने कितना साल किया है, ये तमाम चीजें जो है खासतौर पर एमसीडी। देखिए मैं तो समझता हूँ कि एमसीडी जो है दिल्ली का हृदय होता है, सेम दिल होता है। अगर दिल्ली साफ सुथरा नहीं रहेगा तो दिल्ली को हम चाहे मेट्रो ट्रेन से सजा दें, चाहे बुलेट ट्रेन से सजा दें, चाहे हम अच्छे स्कूल बना दें, हॉस्पिटल बना दें, सब कुछ बना दें, लेकिन दिल्ली अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो दिल्ली की इमेज खराब जाएगी। और इनका काम क्या था, दिल्ली को साफ सुथरा रखना, जबकि दिल्ली साफ सुथरी बिल्कुल भी नहीं है। तो भाजपा के मित्र को मैं सुन रहा था, भाजपा ने कहा कि आप 10 काम गिना दो। भाई 10 काम गिनाने के लिए आपके सामने, मैं वही बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो ढांचा था, जो पढ़ाई की गुणवत्ता थी, दिल्ली का जो रिजल्ट है, हम हमेशा कहते हैं कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मजलूम बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, उनको जो एक अच्छा एजुकेशन देने का काम सरकार की जिम्मेदारी होती थी, इसके पहले वाले सरकारों ने नहीं किया। आपने 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था, कितने खोले हैं? देखिए यहाँ पर 500 स्कूल पे आप चले जाते हो, लेकिन कभी भी इस बात का जिक्र आप नहीं करते हो कि जो स्कूल का हालत बिल्कुल बेजर हो चुका था, जैसे एमसीडी में आपका हो चुका है, आप एमसीडी के एक भी स्कूल को, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों के उदाहरण के रूप में आपसे भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन बात रखने दीजिए। कह रहा हूँ कि जब सीधी सी बात है कि हमारा घर है और हमारे घर की जो कंडीशन है बिल्कुल जर्जर है, जब बारिश होती है तो बारिश पानी टपकता है या दीवारें गिर चुकी है, टूट चुकी है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है घर को पहले मेंटेन करे जिस घर में लोग रहते हैं। ठीक ऐसे ही सरकारी स्कूलों का सबसे जो बदलाव आया है, सबसे पहले उसका ढांचा और उसके अंदर रूम, कक्षा, जो बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उसको हमने बढ़ा करके बहुत बनाया, वहाँ की जो एटमॉस्फियर बनाया, लाइब्रेरी बनाया, ठीक है, प्लेग्राउंड बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, स्मार्ट क्लासरूम बनाया, लाइब्रेरी को बिल्कुल मतलब इस तरीके से बनाया, और वहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता को हमने मेंटेन रखने के लिए टीचर्स को बाहर विदेशों में जाकर ट्रेनिंग के लिए भेजा। यही वजह है कि बाहर के लोग हिंदुस्तान के तमाम राज्य के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर रहते हैं। इमरान जी चलिए ठीक है, आपने अपने मुद्दे गिनवा दिए हैं, ठीक है। खेमचंद जी आपसे मैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपसे, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर जिस तरीके से आपने बीजेपी को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना, सर आप एमसीडी चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए एमसीडी का चुनाव होता है लोकल, और एमसीडी का मुख्य काम साफ सफाई है। अब साफ सफाई के लिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, दोनों पार्टी के नेता किसी वार्ड में चले जाएं और लोगों से पूछें क्या वहां वार्ड के लोग सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं, रेहड़ी पटरी वाले एमसीडी की व्यवस्था से खुश हैं, भ्रष्टाचार और एमसीडी दोनों एक दूसरे के पूरक है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले से पैसा लेना हो, मकान बन रहा है पर लेंटर पैसा लेना हो, ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का कोई भी पार्षद हो वही उगाही कर रहा। अब इस उगाही से जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, उसके लिए कोई रोड मैप, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे गाली देते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले गाली देने। मुझे तो लगता है कि बजाय मुद्दों के चुनाव गाली पर ही होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि कोई ये रोड मैप नहीं बता रहा कि इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले। और इसीलिए मैं बता रहा हूं जो नेगेटिविटी है एमसीडी की, काउंसलर बदलने पड़ते हैं, टिकट नए लोगों को देना पड़ता है और नया आता है वो भी वही शुरू कर देता है, दर्दनाक स्थिति दिल्ली की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था सफाई अभियान के लिए, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री का जो सफाई अभियान था उसको कतई फॉलो नहीं किया, और आप देखेंगे नालियां भरी पड़ी हैं, गलियों में कहीं भी निकल जाइए कूड़ा उठ नहीं रहा, गंदगी की भरमार है, आवारा पशु सड़कों के बीच पर बैठे हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं घटती रहती हैं,
चलिए ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, अभी आपके पास वापस लौटूंगी। खेमचंद जी, आप कह रहे थे बहुत लॉजिकल तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको आंसर मिल गया होगा आप कितने लॉजिकल तरीके से जवाब दे रहे हैं। आवारा पशुओं का क्या, जल भराव का क्या, और ये कूड़े के पहाड़ जिनकी कह रहे हैं आप हाइट कम कर दी है, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना है फिर खेमचंद जी? ये मुद्दा बना है, मुद्दा बनाया किसने? जिसने राजनीति में कूड़ा कूड़ा कर दिया है वो कूड़े का मुद्दा बना रहे हैं। 40,000 रुपए देते नहीं है और कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ कैसे खड़े हो गए। अरे हमें तो प्राउड होता है कि हमारे वर्कर ने घर घर में जाके कूड़ा इकट्ठा किया है और उसको निस्तारित करने का काम किया है, और हमने लिमिटेड फंड में निस्तारित जगह पे भी उसकी हाइट को कम किया है। जब डेली कूड़ा एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मिल रहा है, घरों को साफ किया जा रहा है, तभी तो कूड़ा कूड़े की जगह पे जा रहे हैं। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी ने 8 साल में कोई प्लान क्यों नहीं बनाया, कोई पैसा क्यों नहीं दिया, कोई ग्रांट क्यों नहीं दी, सीएम साहब ने कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाई कि भाई जो दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ है उनको साफ करना है। एनजीटी ने क्यों, अगर केजरीवाल जी का इसमें रोल नहीं था तो क्यों केजरीवाल पे पेनल्टी लगाई, क्यों कॉर्पोरेशन पे पेनल्टी नहीं लगाई? ये कुछ चीजें हैं जो उनको जवाब देना है। आम आदमी पार्टी अब तक बताए जो उन्होंने वायदे किए थे, यमुना जी साफ होगी हुई क्या, दिल्ली की आओ हवा साफ होगी हुई क्या, डीटीसी की बस 15,000 हो जाएंगी हुई क्या, सिर्फ 3700 बसें, 18 बसें जगह जगह खराब मिली दिखाई दिख जाएंगी आपको। पीडब्ल्यूडी की रोड देखिए कितना बुरा हाल है, खास्ता हाल है, 20 नए कॉलेज नहीं बने, 500 नए स्कूल नहीं बने, बल्कि जो स्कूलों में जो कमरे बनाए, जो कमरों की बात कर रहे थे, 5-6 लाख में जो कमरा बन जाता है उसको 33 लाख में बनाया। अरे भाई 33 लाख में मकान बन जाता है गरीब का, आप कमरे में क्या बना रहे थे ऐसे जो 33 लाख लग गए। शराब के केस में इन्होंने 1,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी, 1,000 करोड़ रुपए इन्होंने गबन किए, दलाली ली। सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में पड़े हुए हैं लेकिन अभी भी मंत्री हैं, अभी भी उनको सरकारी भत्ते मिलते हैं, अभी भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। केजरीवाल जी ओवर टाइम करते हैं कि सत्येंद्र जैन को जेल में सारी सुविधाएं मिले, मालिश भी मिले, अच्छा खाना भी मिले, 3-4 नौकर भी मिले, ये क्या है? तो आम आदमी पार्टी के दोनों मुखौटे हट चुके हैं, एक ईमानदार का जिस तरीके से उनके सारे मंत्री हर एक स्कीम करने में फंसे हैं, उससे ईमानदारी का मुखौटा हट गया। दूसरी तरफ जो आम आदमी का जो मुखौटा था उनका, वो भी हट गया, क्योंकि जो लोग कहते थे हम कुछ नहीं लेंगे, वो 20-20 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने घर में बनवाते हैं, स्कूलों में स्विमिंग पूल कहीं भी नहीं बनवाया इन्होंने, इन्होंने केजरीवाल जी के घर में बनवाया ताकि केजरीवाल जी स्विमिंग पूल में नहा सकें, आनंद ले सकें। ऑन द रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप वेरीफाई कर लीजिए। चलिए इमरान जी, अब जो केंद्र सरकार है उसने एक के बाद एक काम किया, मेरे को बस एक मिनट दीजिए। गरीबों को जो हमने कहा कि घर देंगे, घर दिया, 3024 गरीबों को हमने घर देने का काम किया, और लाखों गरीबों को हम देंगे उसका हमने रोड मैप प्रस्तुत किया। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, उससे जो हैवी व्हीकल्स दिल्ली में आते थे वो रुक गए, उससे ट्रैफिक की समस्या भी कम हुई, प्रदूषण की समस्या भी कम हुई। हम चारों ओर दिल्ली को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं, हम मेरठ का, हमने दिल्ली को गुड़गांव से कनेक्ट किया, तो जो ट्रैफिक के पॉइंट्स थे उसको रिड्यूस करने का हमने काम किया है। ITO को अंडरपास बनाया, उससे वहां पे घंटों का जो जाम लगता था वो जाम खत्म हो गया। धौलकुआ पे फ्लाईओवर बनाया, ओखला पे अंडरपास बनाया, वहां पे फ्लाईओवर बनाया, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो तेजी से केंद्र सरकार दिल्ली में कर रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से सभी को फ्री में वैक्सीन दी गई, 3,78,00,000 वैक्सीन दिल्ली में लग गई, उसी के में से हम आप सब खुले में बड़ी बड़ी सभाओं में भी जा पा रहे हैं। केजरीवाल जी तो 15-20-25 साल की बात करते थे, खुद कुछ नहीं किया, मोदी जी ने किया, सारे हॉस्पिटल को इक्विप्ट किया, केंद्र के द्वारा संचालित हॉस्पिटल 80% दिल्ली वालों की सेवा करते हैं, बाकी 20% को स्टेट के हॉस्पिटल हैंडल नहीं कर पाते। चलिए ठीक है खेमचंद जी, दो साल से ज्यादा आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, अब जवाब ले लेते हैं। पहले इमरान जी, केजरीवाल ओवर टाइम करते हैं ताकि सत्येंद्र जैन को जेल में सारी सुविधाएं मिल सके, तमाम तरीके के सवाल आप पर उठ गए हैं, एक बार पहले इनका जवाब दे दीजिए। क्या होता है ना, क्लास टीचर बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपने पिता का नाम बताने लगता है, जब पूछते हैं कि पिता का नाम क्या है तो अपनी माता का नाम बताने लगता है। डिबेट हो रही है एमसीडी चुनाव पर, चुनाव होने वाला एमसीडी का, लेकिन एक खेमचंद्र भाई जो है दिल्ली के कार्यों का वर्णन करने लगे, भाई ये हुआ फलाना हुआ ढिमकाना, अरे बोलने दो यार, बहुत बोलिया, भारतीय जनता पार्टी,
खेमचंद जी पहले सुन लीजिए, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। खेमचंद जी पहले सुन लीजिए, इमरान जी सुनने की हिम्मत नहीं, बीच में इंटरप्ट कर दे। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं, भारतीय झूठा पार्टी बना हुआ है। इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। आप 15 सालों के एमसीडी के कार्यों को नहीं गिना पा रहे हो, आप सिर्फ दिल्ली चले जा रहे हो, स्कूल ऐसा है, हॉस्पिटल ऐसा है, तो फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है। 75 सालों के हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार को भी जवाब देना है। इस बात का रोना रो रहा है कि राज्य सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया। भाई मतलब किस युग में जी रहे हैं हम? अगर राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया, राज्य सरकार के कोटे का जितना पैसा होता है सब दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है। और आप केंद्र सरकार में 4,000 रुपए पेंडिंग है। जी पहले इमरान जी को सुन लीजिए, सुन लीजिए, पूरा टाइम दिया जाएगा। अभी आपकी बात में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, आप क्यों कर रहे हैं? पहले सुन लीजिए ना, आप भी सुन लीजिए, उन्होंने ध्यानपूर्वक आपको सुना, अब आप भी सुन लीजिए। थोड़ी भी पेंडिंग नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार जो सत्ता में है, जो एकदम पूंजीपतियों की सरकार है, वो पैसे के लिए रोना रो रहे हैं कि राज्य सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया। अरे केंद्र सरकार से पैसे लेके काम कर दिए होते हैं। अरे केंद्र सरकार तो राज्य को देगी। केंद्र सरकार वही तो बोल रहा हूँ। अरे रोना रो रहे हैं, बातें क्यों कर रहे हैं? अरे जवाब तो सुन लीजिए, आपने सवाल उठाए, आप जवाब सुन लीजिए ना खेमचंद जी, सुन लीजिए जवाब। सवाल किसने उठाए थे? अगर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, सवाल हमने उठाए थे क्या? सवाल आपने उठाए थे, अब जवाब आपको मिल रहा है, सुन लीजिए, फिर देना अपनी प्रतिक्रिया आराम से बैठ के। इमरान जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको रोना इस बात का है कि राज्य सरकार ने मुझे धन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो यार केंद्र सरकार से पैसा लेके काम कर दिए होते ना। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके काम कर दिए होते ना। पता है क्या आपको? सिस्टम नहीं पता है कि सिस्टम बताओ आपको। सुनिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अपने ऐसी बातें करते हो, अब मैं मेरी बात बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनो, आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, रिएक्शन तो पहुंच नहीं पा रहा। आप कोई कोई लॉजिकल तो बात करो। अरे लॉजिकल तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है ना मुझे? अब हमने सहयोग किया है, तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत मुझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ, झूठी झूठ बोल, भारतीय जुमला पार्टी का नेता नहीं हूँ, भारतीय खोखा पार्टी का नेता नहीं हूँ। तुम्हारी तरह मैं खेमचंद जी, सुन लीजिए खेमचंद जी, इसके तुरंत बाद आपका जवाब दे दूं। खेमचंद जी पहले सुन लीजिए, आप आराम से अपनी बात रखिएगा, पहले सुन लीजिए। इमरान जी आपकी तरह मैं झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप आते हो, आप आंकड़े की बात करते हो। सुनो, दिल्ली एमसीडी पे चर्चा हो रही है, आप चले गए दिल्ली की सरकार कार्य, आप मुझे जवाब दो, गुजरात में मुझे जवाब दो, आपको मुझे जवाब दो। देखिए इमरान जी मुझे जवाब दो, एमसीडी का भी, दिल्ली सरकार का भी, लोग, अरे दिल्ली सरकार का तुम्हारे झूठ बोलने से कौन सा जवाब मिलेगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल का मॉडल अमेरिका के ट्रंप की पत्नी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी देखने गई थी दिल्ली के मॉडल का, गुजरात का मॉडल स्कूल देखने नहीं गई थी? ट्रंप की पत्नी, अरे किस ट्रंप की पत्नी? अरे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? चलिए इमरान जी, आप अपने अपने जवाब बाद में दीजिएगा। इमरान जी दिखा दिया हजारों करोड़ रुपए की आपने रेडिया बांटी, आप बताए की झूठ 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 पानी को नहीं मिल पा रहा है? ये बताइए इमरान जी, की बात पूरी नहीं हो पाई है। खेमचंद जी पहले सुन लीजिए, अभी तुरंत आपका रिएक्शन लेती हूँ, पहले सुन लीजिए, लेकिन पेशेंस रखिए खेमचंद जी। इमरान जी अगर आपको देखिए मुद्दे सभी उठेंगे, मिर्ची दोनों तरफ लगेगी, लेकिन सुन लीजिए पहले बातों को। इमरान जी रखिए बात, अब इंटरप्ट मत कीजिएगा खेमचंद जी। दिल्ली की सरकार तीसरी बार सरकार बनी है, दिल्ली की सरकारी कार्यों का डंका ना पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ बोलने की आदत है, एक बात बताइए, हमारे 40-40 विधायकों के खिलाफ इन्होंने ठीक है केस किया, मनीष सिसोदिया जी के पीछे इन्होंने एक्साइज पॉलिसी को लेकर के तमाम पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अभी भी जो चार्जशीट बन के गई मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, यानी कि क्लीन शीट मिल गया। कहने का तात्पर्य आज तक एक भी विधायक एक भी मंत्री के खिलाफ ये सबूत नहीं जुटा पाए हैं, सिर्फ आरोप पे आरोप 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 लगा करके अपने ईडी अपनी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी एक भी सबूत इनके पास नहीं है। अब इनसे सबूत पूछो, इन्होंने शराब एक्साइज पॉलिसी के बारे में बताया हजारों करोड़ का, अभी मैं इनसे पूछूं कि कितने हजार करोड़ का, तो इनके नेता कोई 10,000 करोड़ बताता है, कोई 1,000 करोड़ बताता है, कोई 1,200 करोड़ बताता है, यानी कि इनमें समानता है ही नहीं है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। और सीबीआई का जो एफआईआर दर्ज होता है उसमें मतलब 1 करोड़ रुपए का जिक्र आता है, ये कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दरअसल क्या है निशा जी,
भारतीय जनता पार्टी से जब पूछो कि 27 सालों में गुजरात में क्या किया है, 15 सालों में एमसीडी ने काम किया है, तो ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने के सिवा और झूठ बोलने के सिवा कुछ इनके अंदर आता नहीं है। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक जवाब है, सुनिए क्या जवाब दोगे, मैं आपसे सवाल करूँ। इमरान जी वापस लौटूंगी, खेमचंद जी रखिए अपनी बात, के खिलाफ जो चार्जशीट में डिटेल दी गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी इंक्वायरी ऑन है उनके खिलाफ, और हम सभी जानते हैं मनीष सिसोदिया के फोन डिस्ट्रॉय किए, किस तरीके से उन्होंने इंटेलेक्चुअल फ्रॉड किया, सबके सामने है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जल्दी वो पकड़े जाएंगे, एक नहीं सैकड़ों उनके खिलाफ एविडेंस है। और ये जो FIR दायर हुई है, झूठ बोलना तो चार बजे से तुम्हारे पास मनीष सिसोदिया मंत्रालय के खिलाफ इमरान जी पहले बोलने दीजिए, रिएक्शन क्लियर नहीं पहुंच पा रहे, खेमचंद जी आप बोलिए, रखिए अपनी बात। किसी भी पॉइंट पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, कर रहा हूं, लेकिन ना इन्होंने बिल्डिंग पे जवाब दिया, ना पानी पे जवाब दिया, ना रोड पे जवाब दिया, ना DTC पे जवाब दिया, ना ही हवा जो खराब हो रही है दिल्ली में उस पे जवाब दिया। जनता आपको सुन रही है कि आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जवाब सुन रही है कि 5 महीने से ज्यादा से जेल में मंत्री पड़ा हुआ उसको सरकारी भत्ते क्यों मिल रहे हैं, क्यों उसको फैसिलिटी मिल रही है, क्यों वहाँ पे जेल में दवा बना, तुम्हारी सरकार में तुम्हारी पार्टी में न जाने कितने बलात्कारी हैं, उनको पहले उसका आंकड़ा मुझे इकट्ठा करके बता दो। बात कर रहे थे पता चला इमरान जी फिर आपके पास वापस लौटती हूं। इमरान जी बोलने के लिए आप टीवी पे आते हो, ये नेशनल टीवी है, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो, अगर जवाब नहीं तो चुप रहो, आपके पास अगर अपने पॉइंट पे जवाब नहीं तो चुप रहो। रही बात आपकी, जवाब तो आपके पास नहीं है ना, जवाब तो मैं पूछ रहा हूं, 27 सालों में गुजरात में क्या किया, एमसीडी में क्या किया, इंक्वायरी ऑन है, केजरीवाल के ऊपर हमला कर रहे हो, केजरीवाल की तारीख पर हमला कर रहे हो, आपने इमरान जी में फ्रॉड हुआ है, उन्होंने पॉलिसी को ब्रीच करके, जो पॉलिसी खुद ने बनाई उसी को ब्रीच करके उन्होंने काम किया, उन्होंने जो L1 के जो ठेके थे वो सरकार के पास रहने थे, वो उनको रेडियो की तरह फिर झूठ फिर फर्जी बात दिया, और बहुत सारे एलिगेशन का सबूत एविडेंस चलिए खेमचंद जी बहुत हो गया, चलिए ठीक है खेमचंद जी। इमरान जी आप दिल्ली में सरकार में है, लेकिन आपको आखिरी पॉइंट में आकर अब ऐसा लग रहा है, आपने आखिरी पॉइंट में आकर आप कूड़े के ढेर जैसे मुद्दे को उठाया, इससे पहले भी तो आप उठा सकते थे ना इस मुद्दे को, अब बिल्कुल जब एमसीडी चुनाव बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया तब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए नेता जी, कूड़े के ढेर का मुद्दा हो ये आज नहीं उठा है, दिल्ली में एमसीडी में जो भी हालत बनकर है, ये मुद्दा समय समय पर हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन से लेके हमारे तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उठाया रहा है, लेकिन अब क्या है इलेक्शन के टाइम पे मुद्दे थोड़ा हाईलाइट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कूड़े का ढेर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, अगर मैं पूछ लूँ कि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है फिर भी वहाँ कच्ची शराब पीने से लोग कैसे मर जा रहे हैं इसका जवाब नहीं है, मोरबी पुल के बारे में जिक्र करते हैं जिसका जवाब नहीं है, तो भाई साहब एमसीडी पे बात हो रही है, मैं गुजरात जा सकता हूँ आपसे सवाल कर सकता हूँ, गुजरात में 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज में सरकारें चल रही है, आपके नेताजी कहते हैं मैं रेवड़ी नहीं बांटता, बगैर रेवड़ी बांटे हुए इतने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हो गया, दिल्ली में तो हम रेवड़ी बांटते हैं आपकी नजर में लेकिन फिर भी हम मुनाफे में है, सवाल ये नहीं पैदा होता, सवाल ये पैदा होता है कि आप मुद्दों पे बात न करके सीधे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने लगते हैं, दिल्ली मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, महिला सुरक्षा, ये रोजगार को 10 लाख रोजगार हमने दिल्ली में दिए हैं, स्कूलों का जो स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, किस पर आप बात नहीं करोगे, दो शब्द सही नहीं बोल पाओगे, सिर्फ ब्लेम, सिर्फ तनकीद, सिर्फ आलोचना, आप चूंकि सत्ता में है, एमसीडी का चुनाव हो रहा है, एमसीडी में आप सत्ता में वापसी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसकी चिंता करिए मुझे, और आप 15 साल से अगर कूड़े का ढेर खत्म नहीं कर पाए हैं, 15 साल से गंदगी नहीं खत्म कर पाए हैं, 15 साल से नाली की सफाई नहीं कर पाए हैं, 15 साल से जो सिस्टम करप्ट का सिस्टम बना हुआ है, इंस्पेक्टर राज चल रहा है उसको नहीं खत्म कर पाए हैं, तो ये आपके लिए सोचनी विषय है, इसके बारे में आप सोचिए कि 4-5 दिन 1 हफ्ते और बचे हुए, 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता आपसे बहुत नाराज चल रही है, मैं इसी टीवी पर आपके साथ फिर बैठूंगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि एमसीडी में आपकी हार इतनी बुरी हार होने वाली है, उससे सवाल मैं आप बैठूंगा। चलिए ठीक है, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा किसकी हार है किसकी जीत है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, RB उपाध्याय जी
उपाध्याय जी, बात अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है, लेकिन माफ कीजिएगा बीजेपी के बीच हो रही है, लेकिन बात अगर कांग्रेस की कर ली जाए तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, सक्रियता नजर नहीं आ रही कांग्रेस में, सर क्या कहेंगे? देखिए, हम टीवी चैनल के प्रचार को देख कर डिसाइड करने लगे कि कौन सक्रिय है कौन नहीं सक्रिय है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। टीवी चैनल दिखाते हैं तो एड होता है, पैसा खर्च किया जाता है, और उसी का परिणाम है कि जो राजनीतिक दल जो दिखाना चाहते हैं, चाहे कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहे, चाहे जमुना जी को दिखाना चाहे, मीडिया वो दिखाता है, लेकिन मीडिया फ्री में नहीं, वो पैसे लेता है, प्रचार का एक तरीका होता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तय जनता करती है, जनता की अदालत तय, और जनता बड़ा बारीकी से इन सब पर नजर रखती है। यदि अगर केजरीवाल जी बिजली फ्री दे रहे या पानी फ्री दे रहे हैं, फ्री की रेबड़ी है, और अगर खेमचंद जी सिलेंडर दे दें होली दिवाली पे, वो रेबड़ी नहीं। ये तो रेबड़ी का जो एक शब्द जो आया है, ये शब्द देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो रेबड़ी न बांटती, सभी पॉलिटिकल पार्टियां रेबड़ी बांट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ यही होता है कि हमें वोट मिले, हम जीते, हम सत्ता में आए। और देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, पैसे देके टिकट खरीदो, प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करो और जीत जाओ तो करोड़ों कमाओ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जनता भी समझ गई है। अदरवाइज क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है एक, नेता कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। क्या उस गरीब के अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है, और बात सब गरीबों के कल्याण की करते हैं। खेमचंद जी भी बैठे हैं और इमरान संभल साई भी बैठे हैं, बता दें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने टिकट बांटे हैं, फिर गरीब के ऐसी, अरे गरीब को सत्ता में भागीदारी दे दो, गरीब को सत्ता में भागीदारी देंगे तो वो अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान है, जब वो बैठेगा संसद में या म्यूनिसिपल कमेटी में या राज्य सरकार में, तो किस तरह से गरीब का भला होना है वो खुद तय कर लेगा और ऐसी पॉलिसियां बना देगा। आज दिल्ली के जो हालात हैं, उस हालात की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि दिल्ली की गंदगी के लिए हम जिम्मेदार हैं, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ के लिए हम जिम्मेदार हैं, या यमुना गंदी है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो देखिए, जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है। अगर ये जिम्मेदारी तय हो जाए कि सड़क पर आवारा जानवर मिल जाएगा तो अमुक अधिकारी है वो जिम्मेदार है, उसकी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, एक भी जानवर नहीं मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि सब एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। जैसे हम डिबेट में बैठे हैं, इमरान संभल साई ने प्रश्न उठाए तो चार प्रश्न खेमचंद शर्मा जी ने भी उठा दिए, तो प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं हो सकता। और ये जो व्यवस्था के जो हालात है, अगर व्यवस्था को बदलना है तो जिम्मेदारी तय करनी होगी, और सरकारों को और जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि भी 7 साल इसने कुछ नहीं किया, 15 साल उसने कुछ नहीं किया, किसने क्या किया वो जनता देखती है और जनता भली भांति समझती है। और जब समय आता है, और समय कब आता है जनता का, चुनाव के समय ही आता है, लेकिन चुनाव के समय पैसे का चकाचौंध इतना ज्यादा हो जाता है, मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया इस तरह से बरगला जाती है, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है भी किसको वोट करें, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, जनता भी फैसला नहीं ले पाती है। और फिर क्या होता है, वोट पड़ता है जाति के नाम पर, वोट पड़ता है धर्म के नाम पर, मतलब अलग अलग तरीके से वहां जो मुद्दे हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टिकट बांटा जाएगा तब भी ये देखा जाएगा कि अमुक जाति के कितने लोग हैं, जिस जाति के ज्यादा लोग हैं, इमरान संभल साई भी मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो टिकट मुस्लिम को ही मिलेगा, वहां हिंदू को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो
इस तरह की जो व्यवस्थाएं बन गई हैं, इन व्यवस्थाओं को तोड़ना होगा। राजनीति को जो एक सुचिता है, उस सुचिता शब्द को ध्यान में रखना होगा, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये सब तार तार इसलिए हो रही है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया। अपराधी किस्म के लोग एक्चुअल में जब राजनीति में आएंगे, राजनीतिक दल उनको टिकट देंगे, इलेक्शन लड़ाएंगे, तो अपराधीकरण खत्म कैसे होगा? चलिए ठीक है उपाध्याय, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है ठीक, ये इलेक्शन कमीशन के डाटा उठा के देख लीजिए। चलिए हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ठीक है उपाध्याय जी, आपके पास वापस लौटूंगी। इमरान जी, आप जो है आम आदमी कहकर सत्ता में आए थे, आप सरकार में एक आम आदमी, हम आम आदमी की आवाज उठाएंगे ये कहकर आप सरकार में आए थे, लेकिन आज आपने अपने मंत्री को जेल में इतना खास बनाकर रख दिया है। देखिए मिस्टर जी, सबसे पहले चिंचन भाई को अगर तुम बोलने से नाराजगी है, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बात के फ्लो में तुम निकल गया होगा, वो मेरे भाई है। और जहां तक अभी मैं उपाध्याय सर को सुन रहा था, बिल्कुल सही कथन है उनका कि आजकल की जाति धर्म के आधार पर वोटिंग होने लगती है, उसके पहले हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है और हमारे समाज में ये बहुत व्याप्त है, इससे सुधार होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक आपके प्रश्नों का जवाब है कि देखिए, एक 55 साल 56 साल का एक बुजुर्ग इंसान, ठीक है, अगर वो केंद्र सरकार के आरोपों से, केंद्र सरकार के इल्जामात की बदौलत से दिल्ली में बंद है, दिल्ली के मतलब कारागार में बंद है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको जो एक सेहत के लिए बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उनके हिसाब से फिजियोथेरेपी भी उनका एक विकल्प था, और उनके सेहत के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जिसकी ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होना जरूरी है, इस वजह से उनके जेल में जो भी सुविधाएं, जो भी उनके लिए आवश्यक चीजें ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है, उस पर एक वीडियो लीक करके जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले गंदी राजनीति शुरू कर दी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जांच इस बात की होनी चाहिए कि जिस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने कहा था कि ईडी से कहा था इस वीडियो को लीक मत होने दीजिएगा किसी भी कीमत पे, तो एक प्राइवेसी होती है, लेकिन उस वीडियो को लीक कैसे कर दी गई, कैसे लीक हुआ, इस पर कोई प्रश्न नहीं करता है। उस वीडियो का मिस यूज करने के लिए, जनता के बीच सोशल मीडिया पे वायरल करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बीजेपी के पास, वही तो मैं कहता हूँ, खेमचंद भाई को बुरा लगता है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है तो मुद्दे से भटकाने के लिए रोज इनकी एक नई फिल्में, मनोहर कहानियां रिलीज होती रहती है। हम ये कह रहे हैं कि वही तो मैं आपके टीवी चैनल से कई बार बैठा, कई बार इस बात का जिक्र किया कि आपका नेता क्यों नहीं जनता के बीच में जाके कहता है कि मैंने इतने सालों में आपके लिए ये काम किया है, इसलिए मुझे वोट करना वरना मत करना। क्यों सहारा लेते हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, क्यों सहारा लेते हैं आम आदमी पार्टी का, क्यों सहारा लेते हैं इनके रिलीज की हुई मनोहर कहानियों के रूप में जो वीडियोस होते हैं। सत्येंद्र जैन जी, ठीक है इमरान जी, ठीक है, आपने वीडियो को लेकर अपनी बात स्पष्ट की है ना इमरान जी। चलिए ठीक है, खेमचंद जी उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, खेमचंद जी रखिए अपनी बात। देखिए कितनी गलत बात है, आप कितना हल्का कर, कितना जनरलाइज कर रहे हो। केंद्र सरकार क्या, केंद्र सरकार को आरोप लगाएगी? हमारे यहाँ पे स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनके अपने काम है, वो देखती है किसने गलत काम किया है, किसने हवाला किया है, किसने जो टैक्स चोरी किए हैं, और उनपे लगातार जांच चलती रहती है, कार्रवाई होती है। एजेंसियों ने देखा हवाला किया गया है, पैसे का लेन देन किया गया है, फेक कंपनियां बनाई गई हैं, और उससे सरकार को चंपत लगाई गई है, टैक्स पेयर्स को चंपत लगाई गई है, और उस गंभीर अपराध में सतन जैन की गिरफ्तारी हुई। कई बार कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उनकी जमानत को नहीं देता उनको जमानत, फिर भी उसको ईमानदार मानते हैं। अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक बलात्कार का आरोपी, जो अपनी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी है, वो कहाँ का फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फिजियोथेरेपी देगा? डॉक्टर्स ने भी कंडम किया है कि फिजियोथेरेपी है ये मालिश है, ये राजा महाराजाओं की जो मालिश होती है वो मालिश है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने तीन तीन चार चार सेवक रखने के लिए उनके कमरे में बोला, एक सफाई अलग करेगा, बेड अलग करेगा, खाना पीना अलग लाएगा, कैसी व्यवस्था है? क्यों झूठ बोलते हो? और अभी एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी जांच के लिए कि ये सब कैसे संभव हुआ, और उसमें सामने आया है कि दिल्ली सरकार ने अधिकारियों पे दबाव बनाया,
दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को प्रेशराइज किया, इसीलिए जो जेल के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो मजबूर हो गए इस तरीके का काम करने के लिए। पूरी तरीके से इन्होंने व्यवस्था को चौपट कर दिया, वहां पे ये पैसा उगाही करने लग गए। चुकेज से इन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए जेल में। खेमचंद जी, आप सत्येन जैन की वीडियो पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठता है कि जितने भी वीडियो जारी किए गए थे वो आप ही की तरफ से जारी किए गए थे, आपकी पार्टी की तरफ से जारी किए गए थे, तो क्या आप लोगों ने भी अपने जेल में कोई एजेंट बैठा के रखा है जो समय समय पर इन वीडियोस को लीक कर देता है? देखिए बात यहाँ पे है कि चोरी हुई है, अब चोर ये बोले कि मेरे को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, मेरी प्राइवेसी का हनन हुआ, उस पर जांच हो, ठीक है उसकी भी जांच करा लो, लेकिन चोरी हुई है नहीं हुई है, गलत काम हुआ या नहीं हुआ है, तो चर्चा तो इस पर हो रही है ना। ये आम से खास बन गए, किसने वीडियो बनाया, किसने रिलीज किया, इनके इतने पाप हो चुके हैं, इनके अपने लोग वीडियो बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। अभी इन्होंने जो टिकट बेची उसके वीडियो किसने बनाए, इनके अपने नेताओं ने बनाए, इनके अपने नेताओं ने उसको वायरल करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसको पब्लिक डोमेन में लाएगी, क्योंकि हम विपक्ष में, ये हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम सेवा के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम लगातार डेवलपमेंट के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बड़े से बड़े वायदे कर रहे हैं, 2015 के वायदे कंप्लीट नहीं हुए, 2020 में और वायदे कर दिए, 2015-20 के वायदे 20% भी कंप्लीट नहीं हुए, अब 2022 में और बड़े बड़े वायदे कर दिए। इससे भी जब उनको लगा कि नहीं हार रहे हैं, तो चुनाव से एक दिन पहले आडोले वालों को सुगुफा दे दिया, बिजनेसमैन को सुगुफा दे दिया, लेकिन जनता समझ चुकी ये व्यक्ति सिर्फ बोल सकता है, करेगा कुछ नहीं। चलिए समय का अभाव है, हेमचंद जी चलिए ठीक है, समय का अभाव है, आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से एमसीडी का दंगल जो है लगातार जारी है और कल जो है एमसीडी के लिए चुनाव होना है, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार एमसीडी में कौन बाजी मार सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है एमसीडी में काबिज है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जो है एक नई एंट्री यहां पर अपनी मारी है, और इसी के साथ ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार एमसीडी में कौन जो है बाजी मारेगा और दिल्ली का बॉस कौन बनेगा। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।